अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ एट होम, बिकॉज वी शुड स्टे एट होम, सेफ एट होम. वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग क्लास फॉर प्ले ग्रुप. प्ले ग्रुप, होप ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग माय मैसेज टू स्टेइंग होम एंड सेफ योरसेल्फ. ओके जी, प्ले ग्रुप, आज आपको पता है कि हमारा प्रीवियस लर्निंग नोट वॉज कम्प्लीटेड. सो अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब हमारा न्यू लर्निंग टास्क आया है, जिसका कलर देखें, वेरी ब्यूटीफुल रेड कलर है. और हमारा ये है स्टेप टू. स्टेप वन वाज कंप्लीटेड, सो अब हम अपने स्टेप टू स्टार्ट करने लगे हैं. सो स्टेप टू जो है वो क्या है, उसमें मैंने आपको आप लोगों के लिए क्या रखा हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन योर स्टेप टू लर्निंग टास्क. और आप देखते हो कि उसके अंदर इंग्लिश पोर्शन है, और उसमें सबसे पहले जो मैंने आपको दिया है, यहाँ पे मैंने आपको कलर इट के लिए एक बहुत ही खूबसूरत आइसक्रीम दी है. आपको कलर इट के लिए एक बहुत ही खूबसूरत आइसक्रीम दी है. अच्छा जी, आप कह रहे होंगे कि टीचर वो वाला पेज कहाँ गया जिसे हम रिकॉग्नाइज करते थे, और जो वो पेज जिसमें हम लोगों ने वो जो ए टू डी हम लोग अपने लेटर्स को पहले रिकॉग्नाइज करते थे, उनको पढ़ते थे, उनके फ्रेंड्स को देखते थे उसके बाद. तो बेबी, मैंने आपको आपके प्रीवियस नोट पे आपको पता है कि जो मैंने लर्निंग टास्क रेडी की थी वो उसमें थे. इसमें जो है वो हम लोगों, मैंने आपके लिए जो पे किया है वो मैंने आपके लिए एक अगेन, ताकि आप मज़ीद जो है इसमें प्रैक्टिस कर सको, आपके लिए मैंने अगेन जो है आपकी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने ये लर्निंग टास्क जो है वो आपके लिए मेक किया. अच्छा, ये लर्निंग टास्क क्या है, इसमें भी देखें, अगर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें मैंने आप लोगों के लिए लाइंस को थोड़ा सा ब्रॉड किया है. ब्रॉड करने के बाद आप लोगों के लिए लिखा, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे प्ले ग्रुप क्लास ये ना समझे कि भाई हम लोगों ने छोटा छोटा और गंदा गंदा लिखना है. नो, हम लोगों ने अपनी राइटिंग को बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा करके लिखना होता है. अब देखें, इसमें अगर आप देखते हो तो मेरा ए ए जो मैंने राइट किया हुआ है ये अल्फ़ाबेट है, और आपको पता है मैंने आपको डायरेक्टली ए ए इसलिए बता दिया कि मैंने अपनी प्ले ग्रुप क्लास को इस लेटर की बहुत अच्छी सी पहचान करवाई हुई है. और इसको देखते ही मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है वो कह दिया होगा, टीचर इट्स लेटर ए ए, है ना जी. जी, तो ये हमारा लेटर है ए ए, और जो हमारा ए ए लेटर है उसके मैंने यहाँ पे अगेन टू फ्रेंड्स मेक किए हुए हैं. फर्स्ट वन इज़ एप्रिकॉट एंड द सेकेंड वन इज एप्पल. फर्स्ट वन इज एप्रिकॉट एंड द सेकेंड वन इज एप्पल. एंड हु इज द फ्रेंड ऑफ एप्पल एंड एप्रिकॉट? ए ए. विच अल्फाबेट इज द फ्रेंड ऑफ एप्पल एंड एप्रिकॉट? वॉज ए ए. ए ए ए ए एप्पल, ए ए एप्रिकॉट, ए ए एप्पल, ए ए एप्रिकॉट. ये हमारे दोनों जो हैं वो हमारे ए ए के फ्रेंड हैं. अब आपको मैं अगेन वन मोर टाइम बताती हूँ कि हमारी ए ए पे राइटिंग कैसे है. अच्छा जी, वो बताने के लिए मुझे तो बोर्ड पे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये हम आपने वर्क जो है इसके ऊपर आपने यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, और आपने मेंशन करना है इस योर लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग जो हम मैं आपको वर्क दे रही हूँ, आपने इसमें क्लास वर्क राइट करना है. और इसके ऊपर नीचे जो है आपने नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3, दिस इज़ योर होमवर्क, दिस इज़ योर होमवर्क. इसको अगर मैं आपको क्विकली बता दूँ तो ये है मैच विद द करेक्ट पार्ट ऑफ बॉडी. ये आपने इसको जो पार्ट जिस पिक्चर के साथ मैच होता है आपने उसके साथ मैच करना है. कैसे आप मैच करोगे? आप देखो, हैंड है, हैंड के साथ आप क्या करते हो, हैंड के साथ आप बर्गर भी पकड़ते हो, पेंसिल भी पकड़ते हो, लेकिन फ्लावर भी पकड़ते हो. यहाँ पर बेसिकली जो है वो 3 सेंसेस के बारे में बताया. अब सेंसेस जो है वो आप मेरे प्ले ग्रुप स्टूडेंट्स को तो इसकी अभी समझ नहीं है, वो इसकी जो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा सेंसेस क्या होते हैं, और इसके बारे में वो मैं आपको फिर कभी बता दूंगी कि ये सेंसेस कौन क्या क्या होते हैं. फिलहाल आपको मैं बता रही हूँ कि ये हमारा हैंड है. हैंड से हम क्या काम लेते हैं? हैंड से हम बहुत से काम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पिक्चर्स में जो शो किया गया है वो हमें बताया गया कि हैंड में हम पेंसिल पकड़ते हैं. हैंड में हम क्या पकड़ते हैं? पेंसिल पकड़ते हैं. अब नोज़ है, नोज़ से हम क्या करते हैं? नोज़ से हम फ्लावर को स्मेल करते हैं. और टीथ या माउथ, ये माउथ है हमारा, और टीथ हमें च्यू करने के लिए बता रहे हैं, बट हमारा ये फुल जो पिक्चर है वो माउथ ही है. माउथ से हम क्या करते हैं? हम बर्गर या सैंडविच खाते हैं. तो हम लोग इनको इनके साथ मैच कर देंगे. ठीक है जी, ये मैंने आपको क्विक बताया आपके होमवर्क के लिए, ताकि मेरे प्ले ग्रुप स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज ना हो.
अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके लेटर ए एम पे आप लोगों ने राइटिंग कैसे करनी है। जी, दिस इज अ पिक्चर ऑफ योर फ्रूट एप्पल, एंड एप्पल इज द फ्रेंड ऑफ लेटर ए एम। एप्पल इज द फ्रेंड ऑफ लेटर ए एम। मैंने अभी आपको ये पढ़ा दिया है कि हमारा जो ए है उसका फ्रेंड होता है एप्पल, और अगर हमसे कोई पूछता है कि हु इज द फ्रेंड ऑफ आवर फ्रूट फ्रूट एप्पल, हु इज द फ्रेंड ऑफ आवर फ्रूट एप्पल, सो इट्स लेटर ए एम। अब हम मैं आपको बताने लगी अगेन कि हम अपने लेटर ए एम पर राइट कैसे करेंगे। एज यूजल, होल्ड योर पेंसिल टाइटली, स्टार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट डॉट एंड मेक अ स्ट्रेट वन, एंड देन कर्व एंड मेक अ सेमी सर्कल। होप कि जितनी बार मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, आप लोग जो है जब आप स्कूल आओगे तो आप लोग इसमें अच्छे से परफेक्ट हो चुके होगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पेंसिल को आपने टाइटली पकड़ना है, अपने फर्स्ट डॉट से स्टार्ट करना है, स्लोली स्लोली आपने नीचे आना है, कर्व करना है, और उसके बाद एक सेमी सर्कल आपने मेक कर देना है। कोई भी आपने डॉट मिस नहीं करना, तमाम डॉट्स जो सारे डॉट्स हैं उन डॉट्स को हम लोग स्लोली स्लोली वन बाय वन ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करते हुए अपने लेटर को कंप्लीट करेंगे। किसी भी डॉट को अपने मिस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो लेटर है वो बहुत प्यारा राइटिंग में, राइटिंग फॉर्म में आएगा और हम लोग अच्छे से लिख सकेंगे। अगर हम कोई डॉट मिस करते हैं तो वो राइटिंग हमारी अच्छी नहीं आती। आपको अगेन एंड अगेन एक ही चीज़ की प्रैक्टिस करवाने का मकसद ये है कि आप लोगों को इसमें परफेक्शन हो जाए, और आप जब अपने न्यू क्लास में जाते हो तो आपको राइटिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। अभी हमारे पास टाइम है तो हम इसको अगेन एंड अगेन एक ही चीज़ को रिपीट कर कर हम उस पर परफेक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो होप कि आप लोग मेरी ये न्यू वीडियो भी देखोगे और न्यू लर्निंग टास्क को भी हमारी बुक शॉप में जो अवेलेबल है वहाँ से ले लेंगे आप लोग और इसमें प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच प्ले ग्रुप, अल्लाह हाफिज़।